What's up everybody, I'm back with another video after a very long time. Yes, काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि जब मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और जब वो बन के आई तो मेरे पास सिर्फ एक वीक का स्पैन और उसके बाद में फिर मैं स्पीति ट्रिप में चला गया. बहुत मज़ा आया वहाँ पर और वो करीब 10 दिन का था. फिर मैं वापस आया तो एक वीक हो चुका है उसके बाद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे शेयर करने के लिए. इससे पहले कि मैं स्पीति राइड की वीडियो अपलोड करूँ, मैं उसके पहले जो भी कुछ हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ, जो क्लेम प्रोसेस हुआ, जब रिपेयर हुई, उस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं. तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आपसे अपलोड कर रहा हूँ जिसके बारे में आपसे शेयर करने वाला हूँ. वो इंश्योरेंस क्लेम का पूरा क्लेम प्रोसेस, वो कैसे हुआ, क्या हुआ. जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी वो मुझे क्लेम देना ही नहीं चाह रही थी, वो मुझे बहुत इग्नोर कर रही थी. तो मैंने वो कैसे किया, अभी भी वो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है. सो इस वीडियो में मैं आपसे वो सारा एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगा, जिससे आपको भी पता चलेगा कि अगर इंश्योरेंस क्लेम करवाना है, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको इग्नोर करती है, तो किस तरीके से आप उनसे अपना क्लेम जो है प्रोसेस करवा सकते हो. तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. 8 अगस्त रात के 1:30 बजे जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो एक कार वाला आकर के मुझे पीछे से ठोकर मारता है और मेरी बाइक लेफ्ट साइड गिरती है और 10-15 फीट आगे तक रगड़ते हुए जाती है, जिसमें मेरा काफ़ी कुछ डैमेज हो जाता है. मैं उसी दिन मॉर्निंग में सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ. उन्होंने कहा कि 15-20 दिन लगेंगे, बस आपने अपनी बाइक दे दी है, बस आपको अभी हमारे फ़ोन का इंतज़ार करना है, जब आपकी बाइक रिपेयर हो जाएगी तो आपको बस आ कर के ले जाना है. मैंने कहा ठीक है. अब वो दिन था थर्सडे का. फ्राइडे को इसने क्लेम जो है वो डाल दिया इंश्योरेंस कंपनी में और ये कह रहा था कि 2 या 3 दिन में सर्वेयर आ जाता है. उसको मैं फ़ोन करके पूछता रहा कि क्या वो आया, वो कह रहा कि नहीं आया सर, मैंने मेल डाल दी है बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. चलो मंडे तक वेट करते हैं, ट्यूसडे तक वेट करते हैं, वेडनेसडे तक वेट करते हैं, नहीं आया. करते करते फ्राइडे आ गया, कोई बंदा नहीं आया. इस वीक के दौरान मैंने उससे कई बार कांटेक्ट किया, मैंने पूछा सर्वेयर आया, वो कह रहा था नहीं आया सर, मैं कुछ करता हूँ, सर मैं कुछ कर रहा हूँ, सर मैं देखता हूँ, बस वो देखता हूँ यही बोल रहा था और सर्वेयर नहीं आ रहा था. और मुझे समझ में ये आ गया था कि मुझे ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वेयर का वेट हम लोग करते रह जाएंगे और मेरे ट्रिप का प्लान सामने आ जाएगा और मैं फिर जा नहीं पाऊँगा. तो जब 1 हफ्ता हो गया मैंने ओरिएंटल के कस्टमर केयर में बात की, उसको अपनी सारी कहानी समझाई और उसने ये कहा मुझसे, आपका जो फाइनल प्रोसीजर बसता है आपकी तरफ से, आपको सर्वेयर अलाइन कराना होता है कोई भी नियर बाय जो आपके ओरिएंटल इंश्योरेंस की ब्रांच है, आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा. आपको केवल ये बताना होता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आपने मेल कर दिया और आपको सर्वेयर चाहिए, गाड़ी का इंस्पेक्शन कराना है. तो मैंने इमीडिएटली मैप में ढूंढा नजदीक ओरिएंटल का ऑफिस. तो उन्होंने मुझे एक ईमेल आईडी दी, rinki@orientalinsurance.co.in और ये इसकी रिकॉर्डिंग है. मैं वहाँ गया था, उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बट कोई फोन नहीं उठा रहा है, किसी का फोन स्विच ऑफ है, मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा सर, एक ना मेल एड्रेस देती हूँ, उसमें आपकी जल्दी रिप्लाई आ जाएगा. का अभी क्लेम एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? वहाँ से क्लेम डाल दिया गया है. वहाँ पे हो गया ना, तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो भी कोई आगे की इंक्वायरी है वो वहीं से ही होगी सर. ये जो मैंने आपको रिंकी दिया है ना, इससे अपना सब अपना गाड़ी. उन्होंने मुझे कहा कि इसमें सारे डिटेल्स आप लिख के भेज दीजिए. मैंने उसी वक्त सारे के सारे डिटेल्स उस ईमेल में फॉरवर्ड कर दी. उसके बाद 3 दिन हो गए, 19 तारीख, कोई जवाब नहीं आया रिंकी की तरफ से. इस बीच मैं वहाँ पर भी गया सर्विस सेंटर में, वहाँ पर भी कोई जवाब नहीं. अब मैं समझ गया था कि ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अब मुझे ही इनसे कैसे भी करके काम निकलवाना पड़ेगा. मेरा दिमाग जो है ना वो कॉन्स्टेंटली सोच रहा था कि मैं कैसे इनसे क्लेम निकलवाऊँ. तो मैंने ओरिएंटल की वेबसाइट से जितनी सारी डिटेल्स हो सकती मैंने वो निकाली. मुझे वहाँ पर सर्वेयर के नंबर मिले और ओरिएंटल ऑफिसेस के नंबर मिले. तो ओरिएंटल की वेबसाइट में मुझे ओरिएंटल का एक मेरे घर के पास में नज़दीकी ऑफिस के बारे में मुझे पता चला. मैंने वहाँ पे जाके सर्वेयर के लिए रिक्वेस्ट की और वो बंदा बोलता है अच्छा सर्वेयर नहीं आए हैं, अच्छा ठीक है करवाते हैं देखते हैं. और उसकी बोलने की लैंग्वेज से मुझे पता चल गया था कि थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन. और मैंने उससे कहा कि मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ वहाँ पे सर्वे हुआ है कि नहीं, फ़ोन कर दूँगा. मैंने उससे फ़ोन नंबर ले लिया, उसका नाम आई थिंक सुरेश था. मैं सर्विस सेंटर गया, पूछा उसी इंश्योरेंस वाले बंदे से कि क्या कुछ हुआ. उसने कहा कि
मैंने अभी कहीं पे बात की है और मुझे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है और कहा है कि उसमें आप ईमेल कर दो और आपका सर्वे हो जाएगा। मैंने कहा कौन सी ईमेल एड्रेस है थोड़ा दिखाना। जब मैंने ईमेल एड्रेस देखा तो वही था rinki@orientalinsurance.com। मैंने कहा इसमें मैं ऑलरेडी मेल कर चुका हूँ 3 दिन पहले, कोई जवाब नहीं आया, आपको भी कोई जवाब नहीं आने वाला है। मैं समझ गया था कि अब सिचुएशन जो है वो बहुत नाजुक है। उस ओरिएंटल ऑफिस में जहाँ भी मैं गया था, मैंने उसको फ़ोन किया 2 बार, रिंग हो गई, फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं वापस गया उसके ऑफिस में तो एक और बंदा बैठा हुआ था, उसको सारी कहानी बताई तो वो बोलता है कि अच्छा आपने पॉलिसी बाज़ार से की हुई है ये पॉलिसी, तो एक काम कीजिए आप पॉलिसी बाज़ार कॉन्टैक्ट कीजिए, 20,000 से नीचे तक का जो भी क्लेम है वो लोग हैंडल कर लेते हैं। तो घर आके मैंने पॉलिसी बाज़ार के जो कस्टमर्स केयर है उसमें कॉन्टैक्ट किया और वो बंदा भी मुझे ये कहने लगा सर आप ओरिएंटल को कांटेक्ट कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, मतलब अपनी सारी अपना ही बखेड़ा सुनाने लग गया। मैंने कहा मैंने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ मैं जो कुछ कर सकता था मैंने वो कुछ कर लिया है, अब वो लोग मुझे क्लेम देने को राजी नहीं हो रहे हैं, अब आप कुछ कीजिए। अच्छा उसको बहुत देर तक उससे बात हुई, उसको कन्विंस किया मैंने, फाइनली कहता है ठीक है आप ये ईमेल एड्रेस लिखिए और इसमें अपने डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, आज तक 1 महीने से ऊपर हो गया, आज तक कोई रिस्पांस नहीं आया पॉलिसी बाज़ार से भी। उसी दिन ही मैं अब समझ चुका था कि अब ये मुझे बहुत ऊपर तक ईमेल करनी पड़ेगी तभी ये रिंकी जो भी है ये जवाब देगी। तब मैंने अभी गूगल का इस्तेमाल किया, गूगल में क्या है ना कि ऐसी डिटेल्स निकाल सकते हो जो कहीं और नहीं मिलती, तो मैंने गूगल में जाके ओरिएंटल ऑफिस के जितने भी मैनेजर थे, जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, चेयरमैन, डायरेक्टर, सबके ईमेल एड्रेस निकाले और उन सबको सीसी रख के वही जो रिंकी को मैंने ईमेल किया था उसी में टॉप अप करके सबको मैंने सीसी में रख के ईमेल ड्रॉप कर दी कि मुझे नहीं पता कि इसको कहाँ पर एस्केलेट करना चाहिए, पर जो मेरी बाइक है वो 11 दिन से पेंडिंग है सर्वेयर इंस्पेक्शन के लिए, अगर आज के आज आपने अगर मेरा क्लेम प्रोसेस नहीं किया तो मैं सारी कहानी एक वीडियो में बनाकर यूट्यूब पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दूँगा। ये ईमेल डालते ही आधे घंटे के अंदर रिंकी का रिस्पॉन्स आया और मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। तो उसने रिस्पॉन्स किया, एक नंबर दिया मुझे जितेंद्र नाम का बंदा था, कहा कि ये सर्वेयर का नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कीजिए और जैसे ही आपकी बाइक का सर्वे हो जाए तो इमिडिएटली इस ईमेल में रिस्पॉन्स कर दीजिएगा ताकि हम लोग स्टेटस जो है अपडेट कर दें। मैंने कहा ठीक है। उसी वक्त मैंने जितेंद्र को फ़ोन लगाया और ये है उसकी रिकॉर्डिंग। एक सर्वे करवाना है व्हीकल का। ये गाड़ी कब खड़ी थी आपने वहाँ पे? ये 8 तारीख को खड़ी की हुई है, 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए? हाँ जी। वो कोई नहीं आया देखने के लिए। तो आपको अभी आज मेल आई है क्या? मैंने मेल डाली है ना ऊपर, बहुत ऊपर तक मेल डाली मैंने। ओके। तो आपका नंबर दिया गया फिर मुझे। तो मेल पे फोन नंबर दिया या वर्ल्डी फोन पे दिया? मेल पे दिया है। मेल पे दिया। ओके ठीक है, शाम तक करते हैं। और उसी वक्त 2 घंटे के बाद 3 बजे मैंने फ़ोन किया और ठीक 5 बजे वो एकदम जो उसने टाइम दिया था उसी वक्त वो सर्विस सेंटर में पहुंच गया। मतलब उसी दिन मैंने मेल की, उसी दिन रिंग का जवाब आया और ठीक 2 घंटे बाद सर्वेयर सर्विस सेंटर के सामने खड़ा था। मैं गया वहां पर, उसने जो फ़ोटो वोटो खींचनी होती है सारी फ़ोटो वोटोज खींची, जो भी डैमेजेस थे जो एस्टिमेट बनाया हुआ था सर्विस सेंटर वालों ने, बाय द वे सर्विस सेंटर ने एस्टिमेट बनाया था करीब 25-30 हज़ार का, तो वो ऑब्वियसली सी बात है वो सर्वेयर तो पूरा देने वाला था नहीं, उसने अपना इंस्पेक्शन किया। रही बात चेसिस की, वो हल्का सा बेंड था और मैं चाह रहा था कि चेसिस चेंज हो, बट सर्वेयर जो था वो उस चीज़ को नहीं मान रहा था और इस बातचीत के दौरान मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी और ये रही उसकी रिकॉर्डिंग, उसने जो चेसिस के बारे में बोला। चेसिस तुझे क्यों नहीं दे रहे कवर? दे दिया बेटा, अलाइनमेंट करवा दी। ये ऐसा ये हिस्सा जो होता है ना, हाँ। मेन सेंटर पकड़ते हैं, सेंटर में कोई डैमेज होता है ना फिर हम नया देते हैं, पीछे का अलाइनमेंट होती है। वैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अलाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है, वैसे दे दी। फिर ये भी तो होता है ना, इंटरनल क्रैक भी तो होता है। ऐसा नहीं है, तुम वो चीज़ अलाइनमेंट करोगे वो चीज़ थोड़ी रह जाएगी ओरिजिनल वाली चीज़। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो तुम्हारा समझो -0 है क्या? बिल्कुल बैंड हो जाती है तो अलाइनमेंट कर देते हैं, इधर तुम्हारे को ना के बराबर है, ना के बराबर है ये 100%। ऐसे कोई भी आएगा ना श्योरिटी है कहीं तो मना ही कर देंगे, मैं तो फिर भी दे रहा हूँ कुछ ना कुछ। मेन आपका तो आगे से कहीं डैमेज होता ना फिर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, पीछे ना भी देंगे तो भी काम चलेगा।
ये वाला आ रहा है। तो उसने कहा कि हम लोग चेसिस रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, रिपेयर करवा सकते हैं। घर आके फिर मैंने कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आकर के पढ़े, तो उन टर्म्स एंड कंडीशन से मुझे ये पता चला कि कंपनी अगर चाहे तो वो किसी भी पार्ट को रिपेयर के लिए दे, मतलब रिपेयर रिक्वेस्ट करा सकती है, जरूरी नहीं कि वो रिप्लेस ही करवाएं। तो ये उनके टर्म्स में लिखा हुआ था और इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो सर्वेयर इंस्पेक्शन के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके चला गया और सर्विस सेंटर वालों ने जो भी पार्ट्स देने थे ऑर्डर में वो डाल दिए, वो एक हफ्ते बाद आए और फिर बाइक में रिपेयर का काम स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। देखना न भूले पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।